पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के अमरोहा नगर के जेएस हिंदू डिग्री कॉलेज में हरे कृष्णा प्रचार समिति की ओर से चल रही भागवत कथा में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान ने मंच पर पहुंचकर लोगों से भगवान के प्रति आस्था और समय निकालने का आह्वान किया। साथ ही कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान से जब पत्रकारों ने पूछा कि कन्नौज के अंदर अखिलेश यादव ने एक युवक द्वारा जय श्री राम का नारा लगाने पर वो जनता पार्टी का एजेंट बताते हुए भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है और पुलिस से जय श्री राम का नारा लगाने वाले युवक का नाम पता पूछा है, तो इस मामले में निशाना साधते हुए चेतन चौहान ने कहा है कि आजकल अखिलेश यादव खाली है और उनको ये लगता है कि वो अभी तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बहुत कम उम्र में वो मुख्यमंत्री बन गए। अपने पिताजी की दौलत की वजह से और विपक्ष में बैठकर उनको गवारा नहीं हो रहा। इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आजकल अखिलेश यादव खाली हैं और उनको ये लगता है कि वो अभी तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बहुत कम उम्र में वो मुख्यमंत्री बन गए अपने पिताजी की दौलत की वजह से, और विपक्ष में बैठकर उनको गवारा नहीं हो रहा है। कन्नौज से उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी और वो भी हार गई, तो भड़ास मिटाते रहते हैं, कोई धमकी नहीं देता है, बल्कि उनकी गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा उन्होंने भी, उनके मंत्रियों ने, उनके विधायकों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने लोगों को सिर्फ धमकी नहीं दी, बहुत सारे फर्जी मुकदमे हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लगे। कांट प्रकरण में हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता 86 दिन जेल में रहे, ऐसे बहुत हुए। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, कानून व्यवस्था उन्होंने बिल्कुल ठीक कर दी है और कहीं गड़बड़ी यदि हो भी रही है तो पता चला तो निकलकर जो आते हैं वो समाजवादी पार्टी के वर्कर ही निकल कर आते हैं, वही अपराधी।